कैसे हो आप लोग। आज मैं आप सभी को एकदम फ्री में वशीकरण करने का मैं टोटका बतलाऊंगा, एकदम फ्री में स्त्री वशीकरण टोटका। इससे स्त्री भी किसी पुरुष को अपने वश में कर सकती है, अपने प्यार में मदहोश कर सकती है किसी भी पुरुष को। और कोई भी पुरुष हो, कोई भी लड़का हो, किसी भी लड़की को या शादीशुदा महिला को अपने प्यार में हमेशा हमेशा के लिए बेचैन कर सकता है। आज का जो मैं वशीकरण टोटका बतलाऊंगा, ये बहुत ही खास है और बहुत ही पावरफुल है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। ये छोटी सी वीडियो आपकी जिंदगी बदल के रख देगी। आपके जीवन में एक नहीं, पांच नहीं, बल्कि आप जितने चाहे उतने लड़कियों को अपने पीछे पीछे घुमा सकते हैं, उसको अपने वश में करके उससे अपना मनचाहे कार्य करवा सकते हैं। मेरे भक्तों, ये बहुत ही पावरफुल वशीकरण टोटका है। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही पावरफुल वशीकरण टोटका है। पूरा ध्यान से देखिएगा, ये छोटी सी वीडियो आपकी किस्मत बदल देगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। यह मेरा ऑफिशियल चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए बतलाते हैं कि वो कौन सा शक्तिशाली स्त्री और पुरुष वशीकरण टोटका है, जिससे कि आप किसी भी लड़की हो या शादीशुदा महिला को अपने प्यार में एकदम बेचैन कर सकते हैं। हर पुरुष के मन में यही लालसा होता है कि वो किसी न किसी छोटी उम्र वाली लड़की को या शादीशुदा महिला को अपने वश में करे और मनचाहे कार्य करवाए। हर कोई सोचता है। तो अब सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका काम पूरा होने का समय अब आ गया है। और हर स्त्री चाहती है किसी न किसी पुरुष को अपने वश में करे, चाहे वो उसका पति ही क्यों ना हो। तो आइए हम बतलाते हैं कि कैसे किसी भी इंसान को, कोई भी इंसान हो, किसी के सास हो या ससुर हो, ननद भौजाई हो, किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी कुछ भी हो, एकदम पावरफुल वशीकरण टोटका है। और सच्चे दिल से, सच्चे मन से इसका प्रयोग कीजिएगा, ये कभी खाली वार नहीं जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन आपको करना क्या है, एक सादे कागज लेना है। सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन आपको एक सादे कागज लेना है और एक भोजपत्र लेना है। एक सादे कागज और एक भोजपत्र लेना है। जैसे कि आप हमारे हाथ में देख रहे हैं, ये सादा कागज है, सादा कागज। और भोजपत्र आपको मिलेगा, जानते हैं कहाँ पे? जहाँ पे पूजा का सामग्री मिलता है, वहाँ पे आपको भोजपत्र मिलेगा। वहाँ पे जाइएगा और बोलिएगा कि हमको भोजपत्र चाहिए। वो भी एक कागज की तरह होता है, ठीक है ना? जंगली पेड़ों की छाल होता है वो, एकदम कागज से भी पतला होता है, इसी तरह से होता है वो, ठीक है, बनाया जाता है। आपको क्या करना है, एक सादे कागज लेना है और भोजपत्र लेना है एक, ठीक है। और दोनों को अपने सामने ले लेना है, मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन, ठीक है। लाल स्याही से, ठीक है, मोर का जो पंख होता है या अनार का जो लकड़ी होता है, अनार का लकड़ी, ठीक है, तोड़ लेना है छोटी सी मात्रा में, या आपके पास मोर का पंख है तो वो ले लीजिए। दोनों में से कोई एक चीज़ से आपको क्या करना है, लाल चंदन को घोर लीजिए छोटी सी बर्तन में। उसके बाद में क्या करें कि अनार के लकड़ी से या उस मोर के पंख से आपको क्या करना है, जिस लड़की को अपने वश में करना चाहते हैं, अपने प्यार में एकदम बेचैन करना चाहते हैं, उसका नाम लिखेंगे उस पर 7 बार। लड़की का नाम 7 बार लिखेंगे, लकड़ी जो अनार का लकड़ी हो या वो मोर का पंखा, दोनों में से कोई एक चीज से आपको लिखना है, ठीक है। 7 बार क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। 7 बार सादे कागज पे, 7 बार वो जो मैंने आपको बताया भोजपत्र, उस पर लिखना है, ठीक है। और क्या करना है कि आपको किसी चौराहे पे ले जाकर इसको जला देना है, दोनों को एक साथ में जला देना है। जला देने के बाद में वहाँ से आपको क्या करना है, राख को उठा लेना है। राख को उठा लेने के बाद में आपको करना क्या है, उसको आराम से क्या कीजिएगा, छोटी सी कागज़ में इसको मोड़ करके रख लीजिए और उसको हमेशा अपने पास में रखिएगा। और कहीं भी, जब कभी भी उस लड़की के सामने आप जाए, तो उस राख को क्या कीजिए कि आप अपने सीने पर यहाँ पर लगा ले एक बार और उसके सामने चले जाए। 7 बार आपको किसी न किसी बहाने से उसके सामने जाना है। और ध्यान देना कि आपको कुछ नहीं बोलना है,
बस 7 बार आपको जाना है, उसके अगल बगल में रहना है, बस वो 7 बार आपको देख रहे। जैसे ही 8वां बार का समय आएगा, खुद आपके पास चल कर आएगी, आपको आई लव ही बोलेगी, आपके बिना नहीं रह पाएगी। ये बहुत ही पावरफुल वशीकरण टोटका है मेरे भक्तों, ये अजमाया गया टोटका है। मैंने इस टोटका से बहुत सारे लोगों को मैंने काम भी किया है। यदि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत हो रहा है और किसी भी प्रकार की वशीकरण की समस्या है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। और यदि आप नीचे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मेरा ऑफिशियल चैनल है और हम जितने भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आप ही के पास में जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।